खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ भावलपुर सलीम अब्बासी के मुताबिक महकमा चौलिस्तान ने गरीब और मुस्तहिक चौलिस्तानियों का जीना हराम कर दिया। महकमा चौलिस्तान के अफसरान के रखे प्राइवेट ठेकेदार बनकर चौलिस्तानियों को लूटने लगे। डायरेक्टर चौलिस्तान की खामोशी समझ से बालातर है। चौलिस्तान में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के हुक्म के मुताबिक चौलिस्तानियों की अलाटमेंट का सिलसिला जारी है, जो फकरअंदाजी के जरिए मुस्तहिक चौलिस्तानियों को पर्ची के जरिए अलाटमेंट होनी है, पर महकमा चौलिस्तान के अफसरान की सरपरस्ती में प्राइवेट लोगों ने फी लाट के रेट मुख्तस कर दिए, जो अफसरान की मिली भगत से महकमा के रिकॉर्ड से हकदार चौलिस्तानियों को रिकॉर्ड निकाल कर उनसे राबते करते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं कि आप इतने पैसे दोगे तो आपका नाम कुरंदाजे में शामिल होगा, वरना आपके रिकॉर्ड को डंपिंग करके आपको फारिग कर दिया जाएगा। इस बारे में चौलिस्तानियों ने बताया कि हम गरीब चौलिस्तानी महकमा चौलिस्तान के अमले को पैसे दे देकर थक गए हैं। हमारी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई से अपील है कि चौलिस्तान में अलाटमेंट का हल साफ और शफाफ अपने निगरानी में शुरू करें ताकि गरीब और मुस्तहिक चौलिस्तानियों को उनका हक मिल सके। मजीद चौलिस्तानियों का क्या कहना था जी? और जो कुछ आपके साथ मसला हुआ या तकलीफ हुई है ना, वो वजाहत के साथ उसको बयान करें। जी सर, मसला कुछ इस तरह है, ऐसा चौलिस्तानी लोग बड़ी मुश्किल के नाल एक टाइम अल्लाह का मांग मांगते नज़दीक लगे अलाटमेंट की कुरानदाजी थी लिए जनाब वजीर आला साहब की मेहरबानी के नाल चीज़ें जनाब उत जे पास लोग हैं ना, कोई प्रोसेस नहीं, कोई तरतीब नहीं, उत एक रेट फाइनल किया गया। अगर कुरानदाजी शामिल थे चाहते हुए प्राइवेट लोग उत्थान आते सबको ऑफर कर इतने पैसे दे सो, जबकि ऐसा ये उन्होंने अफसरान को भी मिले से कोशिश की थी, कोई सारी सुनवाई नहीं थी। उल्टा कुछ लोगों का रवैया इतना है कुत्ते तरह पौन बंदे को जनाब, खास तौर पर यूनियन कौंसल 75 की यह पोजिशन है सर, प्राइवेट लोगों को इतना आगा किया गया, वो ब्लैक मेल करें उन्होंने रसाई साढ़े फैलों तक है, वो पहले आदि इतने पैसे दे सो ठीक नहीं तो फेल थी वो तो सारी आजाद ते मोतबर मीडिया दे कोई अपील है, मेहरबानी कर दे सारी आवाज़ वजीर आला तक पहुँचाई वजे वजीर आजम तक पहुँचाई वजे ताकि सागराए जरा नुकसान ना जायज़ कराम देहात तुले होने लोग ये सब नुकसान ना दे सकन, मेहरबानी होती जनाब दी। सर इन्हें एक कोई मसला कि सर खानदानी चौलिस्तानी लोग हैं सीधे साधे बंदे हैं सब कोई ना दे हेर फेर तो पता क्या नहीं सर, सारे को दरखास्त है चौलिस्तान के दफ्तर में अपील है सर जी, अपील को फाइल सारे जो प्राइवेट बंदे महकमे के बंदे नाल मिलते ठेकेदारी करे सर सही मखसूस लोग हैं जो साकू इतना ब्लैकमेल की खड़े जिन्हें की रसाई सारे फाइलों तक है, वो सारे फाइलों चु पेपर फाड़ते साकू लिखे ने कि जनाब ये पेपर तुम्हारी फाइल से कह नहीं इतने पैसे दे दो साकू असा तुम्हारी फाइल मुकम्मल करवा दे तुम्हारा फैसला तुम्हारे हक करवा देने सर असा भेद विचे ने या बकरी वेद आदि इन लोगों को देने हैं 15 महीने का सुकून ना लंघ वे सर 15 महीने बाद वाल साहब को फोन आवे ने कि तुम्हारी फाइल से मियाँ फलाना इतराज लगे पे शनाख्ती कार्ड कह नहीं आदि शनाख्ती कार्ड ला वजो तुरा निकाहनामा कह नहीं तुम आदि निकाहनामा दे वजो तुरा सर इलेक्शन कमीशन तो कह सर डा दफा वेरीफिकेशन करवा दिते अपना वेरीफिकेशन वोट दिते अफसरान को नहीं आख्या अफसरान को सर नहीं आख सके क्योंकि अफसरान तक पुजन भी सा औखा थी वे सर क्योंकि ये डाउट ये ही ठेकेदार साकू उथन तक वन ही नहीं देंगे अफसरान तक जिन्हें को मिले उन्होंने रवैया सर उन्होंने रवैया तो बहुत चंगा है जिन्हें अफसरान ने तामन किए सर सब छले या रुके ने तसली देने मगर सर जेडे ठेकेदार हैं वो साकू कतल भी देने नहीं आवेंगे। खबरों के लिए देखते रहें क्राउन स्टार न्यूज़ एचडी।